वफा पे जुल्म मोहब्बत का खून होता रहे, मज़ा तो जब है किसी से कोई इंतकाम ना लो। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग सोचेंगे कि आज ये शायरी क्यों। अक्सर लोग शिकायत करते रहते हैं, शिकायत करते फिरते रहते हैं कि यार मैंने उसके साथ इतने एहसानात किए, मैंने उसके साथ इतनी भलाइयाँ की, फिर भी वह हमारी बुराइयाँ ही करता है और मेरे लिए हमेशा गड्ढे खोदता रहता है। तो याद रखें, आप अगर किसी बुराई का बदला लेंगे तो अपनी ताकत और अपनी औकात के मुताबिक लेंगे, लेकिन आप अगर उस बुराई के जुल्म को बर्दाश्त कर जाते हैं तो जब अल्लाह उस जुल्म का बदला लेता है ना, तो उसकी ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, तो याद रखें, किसी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया जाता। आज का टॉपिक है दोस्तों, किसी खोखले पाइप का वेट हम कैसे निकालते हैं, चाहे वो आयरन का हो या कंक्रीट का हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा खोखले पाइप का वेट कैसे निकालते हैं, अगर थिक वाल है या थिन वाल है, तो इन दोनों का फार्मूला अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था खोखला पाइप का वेट हम कैसे निकालते हैं, तो एक डायग्राम मैंने ये बनाया है, एक ये बनाया है, ये थिन वाल है, ये थिक वाल है। इसका फार्मूला है 3.14 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में R1² R2² -R2² ब्रैकेट इनटू L लंबाई है, R1 रेडियस, ये पूरा जो है सेंटर से लेके यहाँ तक ये R1 है, R2 सेंटर से लेके इसके अंदर तक, और ये जो है थिकनेस है, इसकी मोटाई है। तो इसमें हमने माना है कि 0.5 मीटर R1 है, 0.25 मीटर R2 है। तो इसको हम मोबाइल से कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हमने पहले इसलिए कैलकुलेट करके बना दिया है डायग्राम, पूरा कैलकुलेशन रख दिया ताकि आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। मोबाइल से या कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके रख लेंगे। 0.5 स्क्वायर का होगा 0.25 का स्क्वायर का होगा 0.0625 × 5। 5 लेंथ है, 5 मीटर लेंथ है। ओके, इसको हम पूरे को जब इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 0.1875। ये लेंथ है इनटू 5। टोटल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 2.9437 क्यूबिक मीटर। इसकी डेंसिटी यानी घनत्व तो इसका हो गया 2.9437 क्यूबिक मीटर। अगर हम इसको आयरन मानते हैं तो आयरन के अलग अलग वैल्यू हैं, लेकिन जो ज़्यादातर माना जाता है, जो ज़्यादातर लिया जाता है कैलकुलेशन के लिए, वो 7873 और 7870, यही दो वैल्यू जो है लिया जाता है। तो 7873 अगर आयरन मानते हैं तो 7873 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, आ जाएगा इसका वेट, लेकिन ये केजी में आएगा। ओके, ये केजी में आएगा। अगर आप इसको एलबीएस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जितना आएगा उसमें 2.2 से डिवाइड कर देंगे यानी तकसीम दे देंगे, तकसीम यानी भाग। ओके, उसका वज़न निकल आएगा।
इसी तरह से थिन वाल का हम निकालते हैं, माना ये 12 mm, इसका जो है थिकनेस है 12 mm, इसका थिकनेस 12 mm है और डाया इसका 0.6 meter है। तो इसका फार्मूला है 3.14 इंटू डाया इंटू लेंथ इंटू थिकनेस, यानी ये डायमीटर लेंथ और थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल का 3.14 में, ठीक है। तो यह है 3.14 इंटू 0.6 इंटू 0.012। आप ये सोच रहे होंगे ये मैंने 0.012 क्यों लिखा, तो एक मीटर में होता है 1000 mm। जब किसी भी चीज़ का, किसी भी मटेरियल का हम वेट निकालते हैं उस वक्त हम सब को एक ही पैमाने में रखेंगे, या तो mm में रखेंगे या मीटर में रखेंगे या सेंटीमीटर में रखेंगे या फिट में रखेंगे, जिसमें भी रखें एक ही पैमाने में रखना है। तो ये 12 mm है, इसलिए जब 1000 से 12 में भाग देंगे, तकसीम करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 0.012। इसका लेंथ 5 meter है। टोटल का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.11304 cubic meter। अगर हम इसको कंक्रीट मानते हैं, इसमें 2400 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वज़न निकल आएगा, इसका वेट निकल जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि कंक्रीट का होता है 2400 केजी एक क्यूबिक मीटर में, ये आया है 0.11304 cubic meter। अगर इसको हम आयरन मानते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7873, क्योंकि एक क्यूबिक मीटर में 7873 केजी होता है, इसलिए इसका जब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे जो भी आएगा वो केजी में वेट निकल जाएगा। ओके, अगर हम इसको एलबीएस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जो भी आएगा उसमें 2.2 से डिवाइड कर देंगे, इसका एलबीएस में निकल जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अब तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।